नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। पूरे उत्तराखंड में महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने और उनकी पूजा अर्चना करने के लिए भारी तादाद में भक्तगण शिवालयों में पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, 6 तस्वीरें, नैनीताल, ऋषिकेश, सितारगंज, चमोली, पौड़ी, दिनेशपुर। पंचामृत, दूध, दही, शहद, गंगा जल और घी से शिवलिंग का जलाभिषेक किया जा रहा है। इसके साथ ही भक्तगण बेलपत्र, धतूरा, भांग आदि से भी भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। वहीं खटीमा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, जहां पर उन्होंने चकरपुर स्थित पौराणिक बनखंडी महादेव शिव मंदिर में महादेव का जलाभिषेक किया और राज्य की खुशहाली की कामना की है। और ये 6 तस्वीरें आप देख सकते हैं, उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में महाशिवरात्रि की धूम चारों तरफ नजर आ रही है। आठ पहर की पूजा होगी, सुबह तो ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे की पूजा होगी। भगवान के अभिषेक मैत्रिणी से नंगे पैर जाकर के जल लिया गया, उसके बाद भगवान की भगवान का अभिषेक किया गया, फिर चंदन से अभिषेक किया गया और भगवान का फूल से श्रृंगार किया गया। पहले ये पूजा होगी, फिर 8 बजे प्रातः भगवान का भोग हुआ, बाल भोग हुआ, उसकी पूजा। ठीक अब 6-6:30 बजे भगवान की फिर अन्न से पूजा होगी, अन्न भगवान के चारों ओर लगाया जाएगा, अन्नकूट पूजा होगी। शुभकामनाएं सबको। आज सितारगंज में शहर के अंदर विशेष बहुत से मंदिरों में महाशिवरात्रि का पर्व हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। यहाँ पे शक्ति फार्म में, झाड़ी मंदिर में और नगर के शहर के बीचों बीच स्थित मंदिर में भी यहाँ पे महाशिवरात्रि का आयोजन बहुत ही हर्षोल्लास से किया जा रहा है और भक्तगण अपनी पूरी आस्था से यहाँ पे मंदिरों का यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ पे शिव जी का आशीर्वाद ले रहे हैं। विगत 2020 से कोरोना महामारी से पूरा विश्व पीड़ित था, उसके पश्चात पहली बार जो बड़ा पर्व है, कोरोना से मुक्ति, लगभग आंशिक मुक्ति हम लोगों ने पा ली है। उसके बाद ये बड़ा पर्व महाशिवरात्रि का आया है और ये भगवान शिव की धरती है। भगवान श्री रुद्र का शीतकालीन प्रवास है यहाँ पे, श्री रुद्रनाथ मंदिर, श्री गोपीनाथ मंदिर में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे भारी भीड़ श्रद्धालुओं की हुई है। और इसी क्रम में विश्व शांति के लिए यहाँ पर सुंदरकांड का आयोजन भी किया गया, क्योंकि यह जो संयोग है बहुत सारे वर्षों बाद बना है, 300 साल से ऊपर ये पुराना है, आदिवासी शिव मंदिर है और ये मेला के पावन चल रहा है। कई हजारों की संख्या में यहाँ जल विषय कर रहे हैं। बाग मेले में मेले का आयोजन किया गया आदिवासी शिव मंदिर समिति द्वारा, जिसमें पुलिस प्रशासन भी हमारे साथ है और भंडारे की व्यवस्था है। जो हरिद्वार से कांवर लेके आते हैं, हजारों की संख्या में आते हैं, उनकी व्यवस्था के लिए हमने कांवर का टेंट बना रखा है। चंद्रेश्वर महादेव मंदिर में आज महाशिवरात्रि पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। चंद्रेश्वर महादेव मंदिर पौराणिक महत्व का मंदिर माना जाता है ऋषिकेश में, और चंद्रेश्वर महादेव का जो महत्व है, चंद्रेश्वर महादेव के जलाभिषेक, रुद्राभिषेक करने से भगवान भोलेनाथ भक्त की दुख संतापों का हरण करते हैं, उसको अभयदान देते हैं और भक्त इसीलिए हर हर महादेव का उद्घोष करते हैं। एक लोटा जल समर्पित करके महादेव को निर्मल और शीतल समझ के अपने आत्मा और मन को भी शीतल और शुद्ध समझते हैं, ऐसा भाव रखते हैं। आज महाशिवरात्रि का दिन है, आज शंकर पार्वती का विवाह हुआ था, मैंने भी चंदेश्वर मंदिर में जल चढ़ाया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा वातावरण है, शुद्ध वातावरण है। और शंकर भोलेनाथ को जल चढ़ाना, बेलपत्र चढ़ाना, बेर चढ़ाना, दूध चढ़ाना, उससे पंचामृत से स्नान कराया। अब तक मुझे लग रहा है हजारों की तादाद में लोग जल चढ़ा चुके हैं। सुबह 4 बजे से यहाँ लाइन लगी हुई है और अभी तक लाइन का बहुत ज़्यादा लंबी लाइन है।
वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर राजधानी देहरादून में नई बहस छिड़ गई है। जून 2017 में देहरादून को केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी की सूची में शामिल किया गया था। उस वक्त तय किया गया था कि स्मार्ट सिटी परियोजना से संबंधित सभी कार्यों को 2021 के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। राजधानी में अभी भी निर्माण कार्य जारी है और स्मार्ट सिटी का कार्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। इतना ही नहीं, स्मार्ट सिटी के कार्यों से आम जनता को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है और अधिकारी अपनी जवाबदेही से लगातार बचते हुए नजर आ रहे हैं। अमित शाह जी कह के तो गए, बहुत बड़े गड्ढे पड़े हैं। ये स्मार्ट सिटी का ही काम है कि बहुत बड़े गड्ढे देहरादून की सड़कों में पड़े हैं। मैं समझता हूँ कि स्मार्ट सिटी किसी भी नागरिक को जो देहरादून में निवास करता हो ऐसा एहसास होता है कि स्मार्ट सिटी का कार्य प्रारंभ होने के बाद आज चार साल का समय बीत गया है। आज कहीं कोई बदलाव लगता है? हर जगह गड्ढे हैं, हर जगह दिक्कत ही दिक्कत है। तो मैं तो समझता हूँ कि स्मार्ट सिटी का काम इस सरकार ने इस देहरादून को और खराबी की ओर ले जाने के लिए प्रारंभ किया, ऐसा एहसास होता है। ये सहज ठीक ढंग से अगर काम करते, इनका लक्ष्य स्पष्ट होता, इनकी सोच स्पष्ट होती, भ्रष्टाचार की भावना इनके मन में निहित नहीं होती तो ये काम अंजाम तक पहुँचता और अच्छा रिजल्ट देता। लेकिन दुर्भाग्य से मन में भ्रष्टाचार की भावना निहित है, काम करने का तरीका पता नहीं है, तो हर जगह खोद डाला है, आज हर आदमी परेशान। वास्तव में चिंता का विषय है क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है और 1450 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, छोटा मोटा नहीं है और काम भी चल रहा है। लेकिन काम की गति को लेकर, काम की गुणवत्ता को लेकर और जो नियोजन का पक्ष है इसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। बार बार हम अखबारों में भी देखते हैं। जहाँ तक मेयर साहब का सवाल है और क्षेत्रीय विधायक खजानदार, ये लोग लगातार प्रयास भी कर रहे हैं उसको ठीक करने का, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं अधिकारियों के स्तर पर ये ढिलाई है, क्योंकि जो एग्जीक्यूशन है वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्टली तो अधिकारियों को करना होता है। तो जो टेक्नोक्रेट्स हैं, एक तो उनका काम मुझे ठीक नहीं लग रहा है कि जो काम होने के बाद भी शिकायतें आ रही, तो टेक्नोक्रेट की गलती है। और काम में जो डिले हो रहा है, जो योजना थी उसके हिसाब से काम नहीं हो रहा है, तो जो ब्यूरोक्रेट जिनको उसको संभालना है, जिसको उसको देखना है, उनका निश्चित तौर पर उनकी भूमिका उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। अभी तक प्रोजेक्ट पूरा हो जाना चाहिए था। उत्तरकाशी के प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर कई क्षेत्र से विश्वनाथ नगरी में शिव बारात निकाली गई। वहीं हर क्षेत्र के गांव में शिव के बारात में कई प्रकार की झांकियां देखने को मिली, जहां शिव के बारात में रावण और भूतों की टोली भी दिखाई दी थी। आज पूरे देश में, हमारे पूरे राज्य और जनपद उत्तरकाशी में, काशी विश्वनाथ की इस पवित्र भूमि में महाशिवरात्रि शिवरात्रि के इस पर्व को बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा। मैं इस अवसर पर समस्त देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और जनपद वासियों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूँ। आइए हम सब लोग मिलकर इस धार्मिक नगरी और पर्यटन नगरी को के संस्कृति और धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए हम सब मिलकर इस पर्व को मनाकर और अपने काशी विश्वनाथ मंदिर के जो भक्त यहाँ पर आ रहे हैं उन सभी श्रद्धालुओं के भावनाओं के अनुरूप अपनी इस धार्मिक नगरी की पवित्रता, माँ गंगा की अविरल पवित्रता और स्वच्छता बनाए कर संकल्प आज के दिन लें। प्रयाग में महाशिवरात्रि पर्व पर शिवालयों में सुबह से भक्तों की भीड़ उमड़ती हुई नजर आई थी। मंदिरों में उमड़ी भीड़ की सुरक्षा को लेकर पुलिस और एसडीआरएफ के जवान भी तैनात किए गए थे। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर उन्हें नदी से दूर रहने की सलाह दी गई, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए भी लगातार कहा जा रहा था। हम यहाँ लगभग सुबह 6 बजे से हैं। हम सुबह 6 बजे इतनी भीड़ तो नहीं थी, भीड़ जो बढ़नी हुई 10 बजे के बाद भीड़ बढ़नी शुरू हुई। अभी इसमें लोग काफ़ी भीड़ उमड़े हुए, जैसे आप देख रहे होंगे काफ़ी किनारे पे है एकदम से, और बहाव भी उतना तेज़ नहीं है लेकिन गहरा हो सकता है, उसमें कोई गिर ना जाए, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से हम लोग यहाँ पर तैनात हैं। क्या कुछ सामान आपने रखा हुआ है सुरक्षा के लिहाज से? हमारे पास रेस्क्यू उपकरण है, रोप है, बोट है, यहाँ पर राफ्ट खड़ी है, नीचे पानी में डाल रखी है, बिल्कुल त्वरित जो कार्रवाई करने के लिए उसको पानी में ही डाला हुआ है।
जिस प्रकार की भीड़ जो है आज कोटेश्वर महादेव में है, ऐसी आज तक अपने जीवन काल में हमने इस प्रकार की भीड़ कभी नहीं देखी। लगता है कोरोना महामारी के बीच जो है जो लोग घरों में कैद थे और मंदिरों में जाने से भी वंचित थे, आज उनको मौका मिला तो इतनी बड़ी भीड़ के रूप में जो है आज शिवरात्रि के महापर्व पर यहाँ मंदिर में देखने को मिल रही है। आज महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पर यहाँ पर जो है ऐतिहासिक भीड़ जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है, और यहाँ पर जो गुफा है इस गुफा के भीतर जो है छोटे छोटे बहुत सारे जो है शिवलिंग जो है यहाँ पर स्थापित हैं, और ऐसा कहा जाता है कि जब पांडव केदारनाथ के लिए जा रहे थे तो वो भी इसी गुफा से होते हुए जो है केदारनाथ के लिए गए थे। नजर आए सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा, महाशिवरात्रि की धूम भी चारों तरफ नजर आ रही थी। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है और देवस्थानम बोर्ड भंग होने के बाद अब एक बार फिर चारधाम यात्रा को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी बद्री केदार मंदिर समिति के पास है। वहीं बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय से खास बातचीत की हमारे स्टेट हेड सुभाष गौड़ ने। सुनिए क्या कहा बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने, वो भी आपको सुनाएंगे। उससे पहले तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें आप देखिए। दरअसल आज महाशिवरात्रि के मौके पर ये ऐलान हो चुका है कि जो तारीख है 6 मई, उस दिन बाबा केदार के कपाट खुलेंगे। तो उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है और देवस्थानम बोर्ड भंग होने के बाद अब एक बार फिर से चारधाम यात्रा को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी भी बद्री केदार मंदिर समिति के पास है। वहीं बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय से खास बातचीत करने के लिए हमारे स्टेट हेड सुभाष गौड़ भी गए हैं और वहां उनसे खास बातचीत भी की है किस तरह से तैयारियां होंगी, क्योंकि इस बार देवस्थानम बोर्ड भी भंग कर दिया गया है। ऐसे में वहां साधु संत क्या सोच रहे हैं, जो श्रद्धालु पहुँचेंगे उनको लेकर क्या खास तैयारी रहेगी, इस बार कैसा होगा केदारनाथ का माहौल, ये भी जानने की कोशिश लगातार वो कर रहे हैं। तो रुद्रप्रयाग की तस्वीरें आप देख रहे हैं, 6 मई को बाबा केदार के कपाट खुलने जा रहे हैं जिसकी घोषणा आज महाशिवरात्रि के मौके पर हुई है। मई 6 तारीख को कपाट खुलेंगे, ठीक प्रातःकाल 6:25 पर, और जब भगवान केदारनाथ जी का उससे पूर्व जो कार्यक्रम होता है भैरवनाथ पूजा 1 मई को होगा, दूसरी मई को 2 मई को भगवान। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा को लेकर देवस्थानम बोर्ड भंग होने के बाद अब बद्री मंदिर केदार समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार जो यात्रा है उसको लेकर किस तरीके की तैयारी। सर सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि यात्रा को लेकर किस तरीके की तैयारी आप लोगों द्वारा इस बार की गई है। देखिए ये सर्वविदित है कि वर्तमान में हमारे प्रदेश में विधानसभा चुनाव संचालित हुए हैं और जो चुनावों को लेकर आचार संहिता है वो अभी भी लागू है, लेकिन इसके बावजूद बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से यात्रा को लेकर के जो भी आवश्यक तैयारियां होती हैं वो हमारी ओर से निरंतर जारी हैं, और इस संदर्भ में हम लोग जो यात्रा से जुड़ी हुई विभिन्न एजेंसियाँ हैं, विभिन्न विभाग हैं, उनके साथ में समन्वय स्थापित करके वहाँ के जो जिला स्थानीय जिला प्रशासन है, प्रदेश शासन है, उनके साथ में सभी स्तरों पर हम समन्वय स्थापित करके यात्रा को लेकर के जो भी जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए उनको लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं लगातार। सर एक सवाल और है कि देवस्थान बोर्ड के बाद अब दोबारा से आप लोगों पर वही कार्रवाई करने, यानी कि वही काम करने के लिए कहा गया है जिस तरीके से पहले आपकी बॉडी करती थी, क्या जो असुविधाएँ यात्रियों को होती थी उनकी सुविधाओं के लिए किस तरीके से बेहतर कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधा काफ़ी ये कहा जा सकता कम मिलती थी, हालांकि बातें ज़रूर की जाती थी कि एम्बुलेंस सड़कों पर खड़ी रहेगी, मेडिकल सुविधा बेहतर की जाएगी रस्तों पर, वो नज़र नहीं आती थी, तो क्या इस बार कहा जा सकता है कि वो बेहतर होंगी। देखिए बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का जो कार्य है मुख्यतः वो मंदिरों का प्रबंधन करना है और मंदिरों में दर्शन की पूजा की क्या व्यवस्था हो इसको देख रेख करना, इसके साथ साथ वहाँ पर मंदिर में जो आते हैं लोग उनको यात्रा सुविधाएं क्या मिल सकती हैं उसके लिए प्रयास करना है, और जो बाकी विषय जैसे आपने स्वास्थ्य या अन्य विषय कहे हैं ये विषय अन्य विभागों के पास होते हैं,
है ना। तो लेकिन उसके बावजूद हम लोग मंदिर समिति के स्तर से भी हमारा प्रयास रहता है कि हम अपने स्तर से भी जो तीर्थयात्री श्रद्धालु वहाँ पर आ रहे हैं उनको जितना संभव हो सकता है उतनी सुविधाएं हम देते हैं। जी सर, एक सवाल ये है कि तीर्थ पुरोहित बोर्ड को लेकर ज़रूर विरोध कर रहे थे, वो चाहते थे कि पहले की तरह, तो जो उनके हक हुए हैं वो क्या फिर से वैसे ही शुरू हो जाएंगे जैसे पहले थे? देखिए, ऐसा है, इस विषय पर मुझे लगता है कि अब चर्चा करना प्रासंगिक नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि हक हकूक को लेकर के न पहले परेशानी थी न अब परेशानी है, और न कहीं किसी के हक हकूक किसी प्रकार से छीने गए हैं। सर, एक सवाल ये कि कब तक धामों के जो कपाट हैं खुलेंगे और क्या क्या समय रहेगा? देखिए, बद्रीनाथ धाम जी के कपाट खुलने की तिथि 8 मई तय हो चुकी है, और केदारनाथ जी के कपाट खोलने की तिथि शिवरात्रि के अवसर पर ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में कल तय होगी। तो एक तरीके से हम ये मान सकते हैं कि जो मई प्रथम सप्ताह है उस सप्ताह यात्रा शुरू हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे अजेंद्र अजय, जिन्होंने बताया कि चार धाम यात्रा सुचारू रूप से चलेगी, उसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। वीडियो जर्नलिस्ट आगर बस के साथ सुभाष कौर, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, देहरादून। और इसी बीच बड़ी जानकारी मिल रही है यूक्रेन और रूस के बीच छिड़ी जंग को लेकर। दरअसल जानकारी मिल रही है कि यूक्रेन EU में शामिल हो सकता है और उसकी मंजूरी भी मिल गई है, यूक्रेन को EU का सदस्य बनाने की मंजूरी मिल गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त यूरोपियन संसद ने मंजूरी दी है और इसको लेकर रात 9 बजे EU की वोटिंग भी होगी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की मिल रही है। यूक्रेन की EU में शामिल होने की अर्जी मंजूर हो चुकी है, यानी कि अब पूरा यूरोप इकट्ठा हो जाएगा यूक्रेन के साथ। यूक्रेन को EU का सदस्य बनाने की मंजूरी मिल गई है, रात 9 बजे इसको लेकर वोटिंग भी होनी है, यूरोपियन संसद ने इसकी मंजूरी दी है। तो रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग है वो और ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है। 6ठा दिन है, चारों तरफ बमबारी की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, ऐसे में दोनों तरफ से आक्रामक रवैया अपनाने की बात कही जा रही है। अब इसी बीच रूस को घेरने के लिए यूक्रेन एक नई रणनीति पर काम कर रहा है, उसने एक बार फिर यूरोपीय संघ का हिस्सा बनने की बात कर दी है। जोर देकर कहा गया कि यूक्रेन को तुरंत EU का सदस्य बनाया जाए, उनकी तरफ से यूरोपीय संघ की सदस्यता के लिए अप्लाई भी कर दिया गया है जिसकी मंजूरी भी मिल गई है। रात 9 बजे वोटिंग होगी, इसके बाद जो कुछ परिणाम सामने आएंगे वो लगातार जो इस युद्ध की दशा है और जो दिशा है वो तय करते हुए नजर आएंगे। तो यूक्रेन की नई रणनीति पूरी तरह से तैयार है, UA की सदस्यता मांगी और मंजूरी भी मिल गई है। रात 9 बजे EU की वोटिंग होगी और उसके बाद फैसला सामने आएगा। झुकने के लिए कोई तैयार नहीं है, ना ही पुतिन और ना ही ज़ेलेंस्की, लगातार सामने आ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कई वीडियो मैसेज जो है वो अपने नागरिकों के लिए भी जारी कर रहे हैं। एक खास वीडियो मैसेज उन्होंने जारी किया, साफ तौर पर कहा कि रूस जो है पूरी तरह से आतंक का पर्याय बना हुआ है और लगातार हमारे नागरिकों को मार रहा है, इसमें कई बच्चे मारे गए हैं, लेकिन उनके हौसले कम होने वाले नहीं है, वो और ज्यादा मजबूती के साथ उभर कर सामने आएंगे। चलिए आगे बढ़ते रुक करेंगे कुछ और खबरों का। यूक्रेन में MBBS की भारतीय छात्रा सकुशल कीशा क्षेत्र के शांतिपुरी अपने नाना के घर पहुंची। छात्रा के सकुशल वतन वापसी से परिजन और रिश्तेदारों में उत्साह का माहौल है। छात्रा ने बताया कि उनके मेडिकल कॉलेज से बहुत नजदीक यूक्रेन आर्मी का बेस कैंप होने के कारण वहां पर जबरदस्त बॉम्बिंग हो रही थी, जिससे उस शहर में पढ़ाई कर रहे भारतीय मूल के छात्र छात्राओं में बेहद खौफ था। इमरजेंसी के हालातों में रहकर के रात बितानी पड़ रही थी। उन्होंने भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया, कहा कि भारत सरकार के सार्थक प्रयासों से ज्यादातर छात्र छात्राएं रोमानिया बॉर्डर तक सकुशल पहुंचने में कामयाब रही हैं। इंडिया में आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत रिलीफ है। वहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे और हमें कुछ समझ नहीं आता था कि नेक्स्ट मोमेंट हमारे साथ क्या होगा। मैं जहाँ रहती थी इवानो फ्रांकिस में, वहाँ पे एयरबेस की बॉम्बिंग हुई थी और उसके बाद हमें सायरन्स वगैरह का सिस्टम बताया गया था कि कैसे सायरन बजने पर हमें बंकर्स में भागना है। तो जैसे ही सायरन बजते थे हम बंकर्स की ओर भागते थे। उसके बाद एम्बेसी और इंडियन गवर्नमेंट ने हमारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिलके हमें वहाँ से इवैक्यूएट करने का प्लान बनाया, जिससे वो लोग बाय बस हमें बॉर्डर तक लेके गए और बॉर्डर तक पहुँचने के लिए हमें 10 किलोमीटर्स वॉक भी करना पड़ा था। फिर बॉर्डर्स क्रॉस करने के बाद वहाँ से इंडियन गवर्नमेंट ने हमें पूरा हमारा ट्रांसपोर्टेशन एयरपोर्ट तक और
एयरपोर्ट से इधर इंडिया तक सब गवर्नमेंट ने हमारा देखा। मंगलौर का छात्र मोहम्मद रहीम 3 दिन से रोमानिया एयरपोर्ट पर घर लौटने का इंतजार कर रहा है, लेकिन उसे अभी तक भारत नहीं लाया जा सका। इसके चलते परिजन काफी परेशान हैं। लगातार भारत सरकार से सभी छात्र छात्राओं को भारत सकुशल वापस लाने की गुहार लगा रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भारत सरकार को भी अवगत कराना चाहता हूँ कि मेरा बेटा मेडिकल MBBS की पढ़ाई के लिए यूक्रेन गए हुए थे, इवानो फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। जब से ये युद्ध हुआ है, सारे अभिभावक किसी भी बच्चे के हों वो सब परेशान हैं। बच्चा मेरा भी परेशान रहा, वहाँ रहते हुए उससे संपर्क रहा, लेकिन उसके बाद वो अपने लेवल पर किसी तरह से बॉर्डर क्रॉस कर गए वो, और अब वर्तमान समय में वो रोमानिया एयरपोर्ट पर है 3 दिन से, लेकिन वहाँ से अभी तक कोई व्यवस्था ऐसी नहीं हो पा रही कि वो निकल जाए। चूँकि भारत सरकार ने जो व्यवस्था कर रखी है वो इतनी कम है कि वहाँ बच्चों को जो है ना नहीं लाया जा पा रहा। चंपावत में स्थित उत्तर भारत के सुप्रसिद्ध मां पूर्णागिरी मेले को लेकर टनकपुर पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर व्यवस्था ठीक हो इसको लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की, और किसी भी प्रकार से आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी को सामना न करना पड़े इसको लेकर भी अधिकारियों को तमाम दिशा निर्देश दिए हैं। पूर्णागिरी का जो हमारा धाम है, इस पर पूरे उत्तर भारत का, इस क्षेत्र का लगने वाला सबसे बड़ा मेला है, जहाँ पर पूरे उत्तर भारत के लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, पड़ोसी देशों से भी आते हैं, उत्तर प्रदेश से, आसपास के क्षेत्रों से सभी का आना होता है। तो यहाँ पर अच्छी व्यवस्थाएं हों, पानी की अच्छी व्यवस्था हो, पार्किंग की अच्छी व्यवस्था हो, शौचालय की अच्छी व्यवस्था हो, आवागमन की अच्छी व्यवस्था हो, ट्रैफिक अच्छा हो, इन सभी व्यवस्थाओं को अच्छे ढंग से संचालित हों, अच्छे ढंग से व्यवस्थित हों, उसके लिए आज हमने बैठक की है और सभी जो कार्य हुए उनकी समीक्षा भी की है। मेला आने तक एक आध बार और बैठकें लेने को हमने कहा है। जो कमी है उसको हमने कहा है कि शासन को बनाकर भेजें, क्योंकि चुनाव आयोग की आचार संहिता के कारण से हमने कहा है जो ज़रूरी काम होने हैं उन ज़रूरी कामों की चुनाव आयोग से परमिशन लेकर उनको जल्द से जल्द संचालित किया जाए। हमारा उद्देश्य है कि हमारे उत्तराखंड का ये सभी मेलों में से एक प्रमुख मेला है माँ पूर्णागिरी को धाम में लगने वाला मेला, ये मेला सुव्यवस्थित हो, आने वाले श्रद्धालुओं को पूरी सुविधा मिले, उन्हें किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। ऋषिकेश नगर निगम के सभागार में गढ़वाल आयुक्त सुशील कुमार ने चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। सबसे पहले यात्रा को लेकर अब तक की हुई तैयारियों का फीडबैक गढ़वाल आयुक्त ने लिया। इसी के साथ ही गढ़वाल आयुक्त ने अधिकारियों को 21 मार्च तक सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। चेतावनी भी दी है कि अगर समय सीमा में चारधाम यात्रा की तैयारियां पूरी नहीं की गई तो संबंधित विभाग के अधिकारी के खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। रुद्रप्रयाग के सारी ज्वाली मठ में अचानक हुए भूस्खलन से गांव खतरे की जद में आ गए हैं। भूस्खलन होने से ग्रामीणों में खौफ का माहौल बना हुआ है। घटना के बाद से गांव के 11 परिवार डर के साए में हैं, जिन्हें प्रशासन ने सुरक्षित स्थानों पर ठहरा दिया है। बता दें कि सोमवार सुबह के समय जिले के सारी ज्वाली मठ गांव में अचानक भूस्खलन हो गया, जिसकी वीडियो ग्रामीणों ने बनाई थी, जिसमें गौशाला अचानक से धराशाही हो गई थी। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।